नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 9 to 10 के उर्दू की कटअप की आज हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कटअप आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और उसी के आसपास जो है कटअप रहने का भी अनुमान रहेगा इस बार के बीपीएससी टीआरई 3 में। इस वीडियो को लाने से पहले हमने टीआरई 2 के कुछ पॉइंटों को अध्ययन किया, उसके बाद वर्तमान में कुछ यूट्यूबरों द्वारा पोस्ट की गई कम्युनिटी पोस्ट के जो परसेंटेज है उसको देखने के बाद ही आपके सामने हम उर्दू के कटअप का निर्धारण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फ्री में नोट्स पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें उर्दू में क्लास 9 to 10 के उर्दू में, तो यहाँ पर आवेदन जो आते हैं वो है 903 और पद कितने हैं तो 1353 पद हैं। अब इसके बाद जब भी आप 9 to 10 को आप टीजीटी कहते हैं, आपको पता होगा, तो जब भी आप टीजीटी यानी कि 9 to 10 में फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आपको स्टेट क्वालिफाई करना होता है बिहार में स्टेट। अब स्टेट का एग्जाम पिछला हुआ उसमें 1013 ही कैंडिडेट जो थे वो उर्दू से सफल हुए थे, तो ऐसे में 1013 में से 903 लोग ही इसमें जो है आवेदन करते हैं। अब आपको साफ साफ देख ही रहा है कि जितना पद है उतना आवेदन नहीं आया है इस बार के टीआरई 3 में उर्दू में। उसके बाद जब हम टीआरई 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो मेल कैंडिडेट यूआर का कटअप है वो 86 गया है, उसके बाद फीमेल का 81, जो कि फीमेल और मेल में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं देखने को आपको मिला है टीआरई 2 में। उर्दू के कटअप की हम बात कर रहा हूँ 9 to 10 में। ईडब्ल्यूएस में 78 गया है और उसके बाद जो है फीमेल में 75 गया है, ईबीसी में 82 गया है और ईबीसी फीमेल में 74 गया है, एससी में 49 गया है और एससी फीमेल में 57 गया है, जिसमें कि फीमेल का कटअप ज़्यादा चला गया है, मेल का कटअप जो है कम चला गया है एससी में अगर हम बात करें तो उर्दू के। उसके बाद बीसी में अगर हम बात करें तो 50 गया मेल का और फीमेल का जो है 40 पर ही सिलेक्शन हो गया था उर्दू में, और एसटी में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो ऐसे में इसका रिजल्ट ही नहीं बना बीपीएससी टीआरई 2 में 9 to 10 में। इसी के आधार पर हमने टीआरई 3 का कटअप आपके सामने रखने का प्रयास किया हूं और इससे प्लस आपका नंबर उर्दू में आ रहा है तो आपका समझिएगा सिलेक्शन पक्का है। जैसे देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो उर्दू अगर आप मेल से 82 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल से उर्दू में। अब यहाँ पर एक चीज कई लोग सोचेंगे तो जो टीआरई 2 था वहां पर 1212 ही कैंडिडेट का रिजल्ट बना था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मेल का कट ऑफ इतना क्यों रखा, क्योंकि उर्दू में उतने स्टूडेंट मिलते नहीं है, इसलिए रखा कि ये यूआर कैटेगरी सभी के लिए क्वालिफाई। अब होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो मिलते हैं वो यूआर के ही ज़्यादातर स्टूडेंट मिलते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने का पूरा पूरा चांस है। तो ऐसे में अगर आप 82 प्लस है मेल से तो आप यूआर में सिलेक्शन है आपका। उसके बाद फीमेल में जो है 79 प्लस है तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं फीमेल में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो 75 प्लस है तो आप सेफ में है मेल में, फीमेल में 70 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। ईबीसी की बात करें तो 77 प्लस अगर आप मेल में तो आप सेफ हैं, फीमेल में जो है 71 अगर आप प्लस हैं तो सेफ जोन में है ईबीसी में। एससी की बात करें तो 50 प्लस है तो आप सेफ जोन में है, और एससी फीमेल की अगर हम बात करें तो 55 प्लस है तो आप सेफ जोन में है उर्दू से। उसके बाद बीसी की अगर हम बात करें तो 53 प्लस है तो सेफ जोन में है, और फीमेल में 45 प्लस है तो सेफ जोन में आप रहेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में। अब हमने एसटी में नहीं रखा क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट हो भीगे तो वो रिजल्ट अगर जितना पासिंग मार्क रखा गया हो उतना पास कर लेंगे तो वो सिलेक्शन उनका हो जाए। लेकिन इस बार के आवेदन में ये तो आप कैटेगरी वाइज जो है आवेदन नहीं पता चल पाता, तो इसी के आधार पर हमने एसटी का जो है कोई भी कटअप नहीं रखा है, चाहे फीमेल में या मेल में। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।